दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति का लेक्चर ये है। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का निर्धारण तीन तरीके से होता था, बटाई, मसाहत, मुक्ताई। बटाई जिसके हिस्से का निर्धारण किया जाता था, बटाई प्रणाली थी, किस्मते गल्ला, गल्ला बख्शी। मसाहत इस भूमि के पैमाइश के आधार पर उपज पर आधारित थी, इस प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया। मुक्ताई लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी, बाट प्रणाली पर आधारित थी। कर निर्धारण के तरीकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। उसने भूमि की वास्तविक माप पर जोर दिया और लगभग राज्य का संपूर्ण केंद्रीय भाग पैमाइश द्वारा अपने नियंत्रण में ला दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर की दर बढ़ाकर 50% कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बकाया वसूली के लिए विजारत की एक शाखा स्थापित की। गयासुद्दीन तुगलक ने पैमाइश के तरीकों को छोड़कर दोबारा बटाई प्रथा आरंभ की। मोमिन तुगलक ने प्रत्यक्ष कृषि विभाग दीवाने को ही खोला। मालगुजारी व्यवस्था को ठीक करना, जिस भूमि में खेती नहीं होती उसे कृषि योग्य बनाना था। गयासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसे सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई। मोमिन बिन तुगलक ने संपूर्ण साम्राज्य में एक ही व्यवस्था के अंतर्गत ले आया। दोआब में प्रचलित थी, कृषकों को तगाबी ऋण भी बांधे। फिरोज तुगलक ने तवागी ऋण माफ कर दिए और बहुत से कृषि करों किस्मत मुगद्दीन अबाब समाप्त कर दिया और चराई और गराई कर को भी समाप्त कर दिया। फिरोज ने सिंचाई कर हक सर्व लिया जो सीजे भूमि के उत्पादन का दसवां भाग था। सुल्तान फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लिया। सिकंदर ने बहुत से अबुबाब समाप्त कर दिए और भूमि के पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी लाए। गजे सिकंदरी 30 इंच होता है, याद रखना ठीक। इसके बाद इब्राहिम सिकंदर लोदी ने लगान खाद्यान्न के रूप में लेने का हुक्म दिया। सल्तनत काल में कर नगद अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था, खालसा क्षेत्र का कर अनाज के रूप में लिया जाता था। सामान्य रूप से तरीका यही था कि राजस्व नगद वसूल किया जाए। चार पहिए वाले रथ और इक्के का वर्णन सल्तनत काल में मिलता है। नौका निर्माण का उद्योग भी जोरों पर था। देवल गुजरात व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल का समृद्ध क्षेत्र था, सबसे उन्नत बंदर का था। खंबात रेशम मूल्यवान वस्तुओं का एक स्थान था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने नियंत्रण में ला दिया था। देवगिरी के निवासी अधिकतर व्यापारी थे, रत्नों का व्यापार करते थे। बंगाल चावल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बनारस एक प्रकार की पगड़ियों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात के निर्यात का उल्लेख किया है। भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का था जिससे अनेक देशों में निर्यात किया जाता था। भारत में नील का उत्पादन होता था। लाहौर बयान नील के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। विभिन्न देशों से मंगाए जाने वाले व्यापारिक माल घोड़े और आयात सर्वोपरि था। देखो भारत में जो थे वो अच्छे किस्म के घोड़े नहीं पाए जाते थे और दिल्ली सल्तनत का जो शासन है बेटा वो घोड़े के दम पर चलता है। यदि घोड़े नहीं होंगे तो शासन किसी काम का नहीं। तो घोड़े जो थे उन्नत किस्म में बाहर से मंगाने पड़ते थे। इसके बाद घोड़ों के बाद हथियारों का आयात था। अदन और मिस्र से बराबर दासों का व्यापार होता था। ईरान भारत में अंगूर आता था, कहां से? ईरान से। ईरान के अंगूर हम लोग खाते थे। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ की गई। भारत में चरखे का वास्तविक प्रभाव 12वीं-14वीं शताब्दी में ही माना जाना चाहिए। चरखे का पहला लिखित उल्लेख इसामी के फतुहे सल्तानी में मिला है। इसके काल में कुछ अन्य तकनीकों का आविष्कार हुआ, एक था कागज का निर्माण। इस काल के प्रमुख आविष्कार फिरोज तुगलक द्वारा समय सूचक उपकरणों का प्रयोग भी माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में सांस्कृतिक स्थिति की।